हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथ लेसन नंबर 10, दैट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी डाइजेस्ट आंसर। ओके, सारे के सारे डाइजेस्ट आंसर जितने प्रैक्टिस सेट हैं आपके इस लेसन में सारे हम देखने वाले हैं। सो प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट 43 से यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका इस तरीके से दिया होगा। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से घड़ी देखना है, ठीक है, कैसे आप करेक्ट टाइम बता सकते हो वो यहाँ पे लिखा है, और इंग्लिश में आपको कैसे बोलना है तो वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे 1 को हम 5, यहाँ पे आप 5 का टेबल देख सकते हो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ओके, 50, 55 और ये 60 हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे हो जाता है हमारा 60। और आपको पता है यहाँ पे 60 मिनट में एक घंटे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो छोटी वाली जो निडल है वो यहाँ पे किस पे है, 2 पे है, ठीक है, और ये बड़ी वाली किस पे है, 5 पे है। तो कितना बजा यहाँ पे, तो अगर आप ऐसे देखो तो 2 पे जो है ये, तो आपको ये आर वाला यानी कि घंटे वाला, ये एक घंटे का जो होता है वो निडल है, वो सुई है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से देखें तो ये जैसे ये मिनट वाली है, तो देखिए 5, 10, 15, 20, 25, तो कितना मिनट हुआ, 25 मिनट। तो कैसे बोलेंगे इसको, 25 मिनट्स पास्ट 2, यानी 2:00 कितने मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए। उसको हम हिंदी में इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, 25 मिनट्स पास्ट, यानी बीत चुके हैं 2:00। सो 25 मिनट्स पास्ट 2। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, जो आपकी छोटी सुई है वो किस पे है, यहाँ पे 7 के आगे है, ठीक है, यानी कि ये 8 पे भी नहीं है और 8 के आगे भी नहीं, किसके आगे है, 7 के आगे है। तो 7:50 हो चुके हैं, आप यहाँ से देखिए, अगर ये 60 है तो ये 55 हुआ और ये 50 हुआ, राइट। अगर वहाँ से नहीं सुना तो यहाँ से देखिए, 5 1 5 5 2 10 5 3 15, इस तरीके से पढ़ते जाइए, यहाँ पे कितना आएगा आपका, यहाँ पे आएगा 50। तो 50 मिनट्स पास्ट 7, 7:50 बज चुके हैं, हो चुका है, यानी सिर्फ 10 मिनट्स बाकी ही है, सिर्फ 10 मिनट्स बाकी है 8 बजने में। इसलिए आप देखो कि 8 से काफ़ी करीब है ये, ठीक है। अब फटाफट सारे आंसर देख लीजिए, इसी तरीके से है, ओके, किस तरीके से आपको लिखना है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये आपके डिमांड पे, जैसे जैसे आप कमेंट कर रहे हो वैसे वैसे मैं वीडियो बना रही हूँ डाइजेस्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अच्छा ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, ये यहाँ पे 4:30 है, तो सिर्फ हम 4:30 डायरेक्ट बोलेंगे यहाँ पे, 4 से आगे है, 4:30 बज रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, 4:30, 9:15। अब यहाँ पे 9:15 का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये निडल है, ठीक है, ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप ये देख सकते हो जो छोटी निडल है वो किस पे है, 9 पे है, और यहाँ पे ये 15 पे है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 9:15। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि ये 9:15 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 4:45, यहाँ पे क्या दिया गया है, 4:45, तो यहाँ पे कैसे है कि ये 15 मिनट बाकी है, 5, 10, 15, ठीक है, 5, 10, 15, 15 मिनट्स यहाँ पे बाकी है 5 बजने में, जो 5 बजने में 15 मिनट बाकी है उसको हम बोलते हैं 4:45, और जब बज गया 15 मिनट हो गया तो उसको बोलते हैं 9:15, यानी 15 मिनट बीत चुके हैं। यहाँ पे 9:25, यानी कि 15 मिनट बाकी हैं 5 बजने में, और 9:15 यानी बीत चुका है, यहाँ पे 15 पे है वो, ठीक है। तो अब ये 5, 10, 15 ही हुआ ना, 3 को 3 थोड़ी बोलेंगे यहाँ पे, तो यानी कि 9:00 कितना हुआ, 15 मिनट हुआ, तो उसको हम बोलेंगे 9:15, यानी बीत गया है 9:15, 15 मिनट हो चुके हैं 9:00, और यहाँ पे 5 बजने वाला है, 15 मिनट बाकी है, और उस 15 मिनट को हम क्या यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, 9:45। अब यहाँ पे 20 मिनट्स पास्ट, अब यहाँ पे जैसे ही 15 के बाद आ गया, 40 पे आ गया, सॉरी 4 पे आ गया, यानी कि 20 पे आ गया, और 11 से आगे हो गया, तो उसको हम बोलेंगे 20 मिनट्स पास्ट 11। अब फटाफट यहाँ पे सारे आंसर्स देख लेना है, आपको डाइजेस्ट आंसर है, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए सारे सम्स। डाइजेस्ट आंसर सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है कि आप वर्कबुक कंप्लीट कर पाओ, बार बार आप कॉमेंट कर रहे हो, बार बार आप परेशान थे इन सब सारे सब चैप्टर्स के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ,
ठीक है, डाइजेस्ट का आंसर, अदरवाइज़ ये राइट वे नहीं है। बार बार बोल रही हूँ मैं आपको, हर चैप्टर में बोल रही हूँ कि आपको सारे सम आने चाहिए, जस्ट ऐसे कॉपी करके लिख के कुछ मतलब नहीं है, आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस देख सकते हो सारे। अगर आपको अलग से इसका वीडियो चाहिए एक्सप्लेनेशन, तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगी एक्सप्लेन करके। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बता देती हूँ एग्जांपल। देखो, एक यहाँ पे बोला गया, इफ़ अ बस दैट लीव्स, एक बस है जो कि लीव होती है, मतलब कि निकलती है नासिक से 5 बजे मॉर्निंग में, ठीक है, रीचेस पुणे, पुणे पहुँचती है उसी दिन को 10 बजे, ठीक है, कभी इन द मॉर्निंग, यानी 5 बजे निकलती है, 10 बजे पहुंचती है। हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक, कितना टाइम लिया उसने। तो देखो, 10:30 मीन्स, अब यहाँ पे दिया था ना 10:30, तो 10:30 मीन्स 10 घंटे 30 मिनट्स, राइट। सो द टाइम फ्रॉम 5 in the morning, अगर हम 5 बजे से देखें 5 in the morning टिल 10 in the morning, तो 10 में से 5 निकालेंगे अगर, तो 5 घंटे बचे, ठीक है, और उसके बाद 30 मिनट्स वो बचा हुआ है। यहाँ पे जो बोला गया था 10:30, यहाँ से अगर हम 5 से देखें 10 बजे तक, तो 5 ही घंटा हुआ, और वो 10:30 मिनट्स हम अलग कर लेते हैं। सो टोटल टाइम कितना हुआ, 5 hours 30 minutes इज इक्वल टू 5 hours 30 minutes, ठीक है, क्योंकि 5 घंटे जो बचा है 10-5 में से, यानी कि जो ये जितने बजे वो पहुँची है, 10 बजे, वो 10:30 बजे पहुँची है, उतने में से इसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो जो उसका 30 मिनट है उसको अलग कर लेना है, 10 में से 5 माइनस कर देना है, तो आएगा 5 आपका, और ये बचेगा 30 मिनट्स, यानी टोटल कितना हुआ, सो 5 hours 30 minutes, यानी 5 hours 30 minutes हुआ, द जर्नी टू 5.5 hours। ऐसे ही ये भी है, उसी तरीके से आप देख सकते हो, पूरा अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आ जाएगा। एक प्ले है जो कि स्टार्ट हुआ 9:15 at night, रात में 9:15 में स्टार्ट हुआ, वॉज डिलेड बाई 1/2 hour बिकॉज ऑफ अ पावर फेलियर, वो आधे घंटे लेट हो गया पावर फेलियर की वजह से। सो वॉट टाइम डिड द प्ले स्टार्ट, तो कितने बजे से स्टार्ट होगा, ध्यान से देखो यहाँ पे कि 9:15 का टाइमिंग है और आधे घंटे लेट हुआ है, तो कितना होगा, तो देखो 9:15 मीन्स 9 hours 15 minutes, और यहाँ पे देखो द प्ले वॉज डिलेड आधे घंटे बाय 1/2 hour, 1/2 hour यानी 30 मिनट्स ही होगा ना, 1/2 hour मतलब उतना लेट हुआ है, तो द टाइम प्ले स्टार्टेड 9 hours 15 minutes, ये तो टाइम था उसका, और 30 मिनट्स और इसमें ऐड करेंगे जो डिले हुआ है, तो कितना आ जाएगा ये 9 hours, और ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो 30 + 15 कितना होगा, यहाँ पे देख सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 45, तो यहाँ हो गया 45 मिनट्स, यानी द प्ले स्टार्टेड एट 45 minutes past 9, 9:45 पर, यानी 45 minutes past 9 पे ये स्टार्ट हुआ। इसी तरीके से ये भी है, देख लो फटाफट, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी करती आ रही हूँ, तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर आपको और डिटेल में चाहिए इसका एक्सप्लेनेशन, तो आपको मैसेज बताना, प्रैक्टिस सेट वाइज मैं आपको अलग अलग बता दूँगी। यहाँ पे सारे प्रैक्टिस सेट मैं आपको एक साथ में बता रही हूँ, यहाँ पे देख लो दिया गया है 8:10 PM 24 hour clock, ये यहाँ पे दिया गया क्लॉक सिस्टम है 24 घंटे का। प्रॉब्लम सेट पे आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्या बोला गया आपको, 12 hour clock है, इसको आपको लिखना है, राइट द सेम बाय द 24 hour clock। तो देखो यहाँ पे 30 minutes past 10 in the morning, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 10:30, 10 minutes past 8 in the morning, तो 10 minutes past यानी 8:10 मॉर्निंग के, तो ये ऐसे लिखना है, ठीक है। 15 minutes past 1 in the afternoon, 1 बज गया, तो देखो जब 12 बज जाता है, तो 12 के बाद जब 1 आता है ना, तो उसको 13 कंसिडर करते हैं, ठीक है, फिर जब 2 बजेगा तो उसको 14, ठीक है, 3 बजेगा तो 15, ठीक है, 3 बजेगा तो 15, 4 बजेगा तो 16, ठीक है, 5 बजेगा तो 17, तो यहाँ पे देखिए 40 minutes past 5 in the morning, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, 24 hours में बोला गया ना, 24 hours clock में बताना है, तो 5 बज गए, तो कितना बज गया, उसको क्या बोलेंगे हम, 17, क्योंकि 13 हो गया, 1, 12 हो गया, फिर 12 के बाद फिर 1 पे आएगी सुई, तो 12 के बाद 13 कंसिडर करेंगे, फिर 13, 14, 15, 16, 17, ऐसे ही रात का जो 12 बजेगा ना, वो 24 बोलेंगे उसको, काउंट करके देखना, ठीक है, 13, 1, 14 आपका 2, ठीक है, और 15, 3, 16, 4, 17, 5, 17, 5 यहाँ पे देख सकते हो 17, 5, ठीक है, 18, 6, ऐसे ऐसे करके आप जाओगे, रात के 12 बजे 24 हो जाता है। चलिए हो गया 12 hour clock
24 o'clock आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो 9 ये आपको मैच करना है, तो मैच करके यहाँ पे देखो दिया गया है आपको पूरा आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फटाफट, कोई डाउट है कॉन्सेशन जरूर पूछे। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। यहाँ पे आंसर देख सकते हो ठीक है, यहाँ पे आपको ऐड करना है 3 hours 25 minutes प्लस 2 hours 35 minutes, तीनों को अलग अलग ऐड करना है। यहाँ पे देख सकते हो 3 hours 25 minutes, तो यहाँ पे आवर्स को आर में रखा 3 और 25 minutes को मिनट्स में रखा, अभी 2 hours को आवर्स में रखा और 35 minutes को इसमें रखा ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो 5 5 10 होगा 0 ठीक है, 1 कैरी आ गया 3 2 5 और 1 यहाँ पे 6 हो जाएगा और 3 2 5 यहाँ पे हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पे 60 हो गया ना, 60 यानी 60 मिनट में एक घंटा हो गया, तो जब एक घंटा हो गया तो हम इसको दे देंगे आवर्स वाले को, तो 60 मिनट में एक घंटा हुआ सो ये 50 आवर्स और 60 मिनट्स, तो कितना हुआ 5 + 1 यानी 6 घंटे हो गए पूरे और यहाँ पे 0 आ जाएगा ठीक है। हम ये जो एक घंटा है इसको दे देंगे। अब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट देखिए दिया गया है वैसे ही 2 hours 30 minutes और यहाँ पे आवर्स को यहाँ पे 2 रखा और 4 hours को यहाँ पे 4 रखा और 50 मिनट यहाँ पे रखा और 30 मिनट यहाँ पे रखा, प्लस किया हमने 5 रखा, 5 3 8 रखा, 4 2 6 रखा ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे टोटल करने पे यहाँ पे 85 आ रहा है, तो 85 आ रहा है तो हमें पता है कि 85 में से हम जो 60 मिनट है ये आपका तो इसमें चला जाएगा एक घंटा, तो बचेगा कितना 25 बचेगा, तो 25 इधर मिनट रह जाएगा और ये 6 से 7 घंटे हो जाएंगे क्यों, क्योंकि हमने 60 मिनट इसके दे दिए। तो आंसर देख सकते हो ऐसे ये भी है। चलिए फटाफट आंसर देखते हैं दूसरा भी, कोई भी वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन बताइए। वैसे आपके 6th 7th 8th जो भी आप बोल रहे हो डाइजेस्ट के आंसर वो आपको मिलता जा रहा है, एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ठीक है। अभी हाल ही में मुझे 3 chapters के आए हैं कि साइंस का आपको चाहिए, 8th standard का जो साइंस है आपको 3 chapters आपको चाहिए 11 12 13 उसके एक्सप्लेनेशन, तो मैं एक बना चुकी हूँ आपको वो कल मिल जाएगा ठीक है। तो जो भी आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताते जाइए वो आपको मिलता जाएगा। मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि जैसे ही आपके कमेंट्स आए जल्दी जल्दी आपको मिल सके ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लिखने में ना ही पढ़ने में ठीक है, आपकी बुक कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे देख सकते हो आंसर, अभी यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं फटाफट आंसर देख लीजिए। आपके सारे सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोडेड हैं ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 के भी जो हिंदी मराठी इंग्लिश हैं वो भी अपलोडेड हैं। अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन बताइए। आपका साइंस 6th standard 5th standard सबके सारे जो वीडियोस हैं अलग अलग प्लेलिस्ट में बने हैं आपको मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोडेड हैं ओके, EVS 1 EVS 2 इंग्लिश हिंदी मराठी साइंस ज्योग्राफी जितने भी 6th 7th के भी। तो अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन बताइए, अगर अपलोडेड ना हो तो ठीक है तो मैं आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। और ये सारे जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करती हूँ ये कोई ऐप नहीं है, आपके डाइजेस्ट से ही फ़ोटो क्लिक करके लेती हूँ मैं, जैसे ही आपके कमेंट्स आते हैं या तो अपने स्टूडेंट्स से मंगा लेती हूँ अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं रहता, या फिर मैं खुद से पिक निकाल के आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो ये कोई ऐप नहीं है, कोई PDF कहीं से नहीं मिलता कि जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, आप बार बार कमेंट करते हो ना कि मिस PDF प्रोवाइड कीजिए, तो ये फ़ोटोज़ होते हैं जो गैलरी में होते हैं और उससे मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ ये सारे ठीक है।